दुनिया के कई देश युद्ध में घिरे हुए हैं। जहां रूस यूक्रेन जंग को 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, वहीं ईरान और इसराइल के बीच भी जंग छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। दो कट्टर दुश्मन देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। इधर हमास और इसराइल बीते 6 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमास को निशाना बनाने के लिए दक्षिणी गाज़ा में अपने सैन्य अभियान के साथ आगे बढ़ने के संकल्प के साथ ही इसराइल ने राफा पर हवाई हमले तेज़ कर दिए हैं। हालांकि इसराइल ने ज़मीनी हमला शुरू करने से पहले एक बार आखिरी मौका देने की बात कही। उसने चेतावनी देते हुए कहा कि वो बंधकों की रिहाई पर समझौता करने के लिए गाज़ा और मिस्र के बीच चल रही बातचीत को आखिरी मौका दे रहा था। राफा में हमले और हमास के साथ बंधक समझौते पर इसराइली और मिस्र के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के बीच चर्चा शुक्रवार को समाप्त हो गई। एक रिपोर्ट के अनुसार इसराइल ने चेतावनी दी कि लंबे समय से नियोजित हमले करने से पहले संघर्ष विमान समझौते के लिए ये आखिरी मौका था। इसराइल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बातचीत काफ़ी अच्छी रही, सभी मापदंडों में प्रगति हुई है। मिस्र के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई चर्चा को लेकर इसराइली अधिकारी ने कहा कि राफा में आगे बढ़ने के इसराइल के बहुत गंभीर इरादे हैं। मिस्रवासी हमास पर दबाव डालने के लिए तैयार दिखाई दिए। अधिकारी ने बताया कि मिस्र का प्रतिनिधिमंडल वर्तमान में इसराइल में है। बंधकों को मुक्त करने और गाज़ा में संघर्ष विराम स्थापित करने के लिए लंबे समय से रुकी हुई वार्ता को आगे बढ़ाने पर चर्चा कर रहा है। मिस्र अपनी सीमा के पास राफा में हमले को लेकर परेशान है। हाल के महीनों में लगभग 10 लाख फलस्तीनी राफा से पलायन कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कतर और मिस्र द्वारा महीनों की बातचीत के बाद भी मौलिक उद्देश्यों पर सहमति ने हमास और इसराइल को एक समझौते पर आने से रोक दिया। इससे पहले 15 मार्च को इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि उन्होंने राफा में एक ऑपरेशन के लिए सेना की योजना को मंजूरी दे दी है। हालांकि ऑपरेशन का समय नहीं बताते हुए नेतन्याहू ने कहा कि राफा में प्रवेश करने और वहां आतंकवादी बटालियन को नष्ट करने की आवश्यकता है।